हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विदेश यात्रा चैनल। मैं हूँ मयूरी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ 3.4 यूके स्टडी। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो तीन पॉइंट आज जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, उसमें सबसे पहला पॉइंट ऐसा है कि आपको चीपेस्ट यूनिवर्सिटी में से दूसरी यूनिवर्सिटी में माइग्रेट होना है, एडमिशन्स आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए करना है, तो इज इट पॉसिबल और नॉट। सेकेंड वन ऐसा है कि कॉलेजेस की फीस यूके के अंदर कॉमनली हर एक कॉलेज की कॉमन होती है या उसमें कोई भी चेंजेस होता है। एंड थर्ड पॉइंट कि हर एक कोर्सेज के वाइज कॉलेजेस की फीस चीपेस्ट यूनिवर्सिटी अगर सिलेक्ट करते हो तो हर कोर्स की कॉमन होती है या नहीं। तो हम आज तीन पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट के बारे में। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आउट ऑफ इंडिया यूके में स्टडी के लिए जाना होता है, तो सबसे पहला कंसर्न ऐसा होता है कि उनको भी ऐसा लगता है कि अगर हमने कोई चीपेस्ट यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लिया, चीपेस्ट कॉलेज हमने सिलेक्ट कर दी, तो उसके बाद हमारा जो कोर्स है, कोर्स का कंप्लीटेशन के बाद हम फर्दर स्टडी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं और कॉलेजेस हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर सकती है कि नहीं। तो इसका आंसर ऐसा है कि आप कॉलेजेस आपकी प्रोफाइल को या फिर आपको, आपके एडमिशन को एक्सेप्ट कर सकती है बेस्ड ऑन कि आपने जो प्रीवियस कोर्स कंप्लीट किया है वो कोर्स की ड्यूरेशन मिनिमम 12 मंथ होनी चाहिए ताकि आप आगे की स्टडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जो भी बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा मिथ रहता है कि भाई हमने चीपेस्ट यूनिवर्सिटी में से या कॉलेज में से एडमिशन लेके पढ़ाई की है, तो अगर आगे हमें पढ़ना है तो बहुत सारी कॉलेजेस हमारा एडमिशन एक्सेप्ट नहीं करते बिकॉज ऑफ कॉलेज रैंकिंग इन ऑल, बट ऐसा नहीं होता है। 12 मंथ की आपके पास स्टडी कंप्लीट की हुई जो भी कंट्री में हो वहाँ की कॉलेजेस में होना चाहिए ताकि आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड पॉइंट के बारे में। सेकेंड पॉइंट के अंदर ऐसा है कि स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि कोर्स जो भी कॉलेजेस है, कॉलेजेस के अंदर कोर्सेज वाइज फीस कॉमन रहती है, बट नो, ऐसा नहीं होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ तीन अलग अलग कोर्सेज का। सबसे पहला है इंजीनियरिंग, दूसरा है नर्सिंग एंड मेडिकल, एंड थर्ड वन है MBA एंड बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स। अब हम बात करते हैं मेडिकल की। मेडिकल के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स को लैब होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं। सिमिलरली इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी ऐसा होता है कि उनका इंजीनियरिंग के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका टेस्टिंग होता है, फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल होते हैं या फिर सिविल का होता है, तो लैंड टेस्टिंग वगैरह, तो ये सारी लैब उनको डेवलप करनी होती है। तो ये जो लैब का डेवलपमेंट कॉस्ट आता है वो कॉलेजेस बेयर करती है, तो उसकी वजह से आपको ये लैब यूज करने को मिलती है और आप वहाँ पे प्रैक्टिकल परफॉर्म कर पाते हो, तो उसकी वजह से फीस कंपेरेटिवली बिजनेस मैनेजमेंट कोर्सेज एंड MBA जो क्लासरूम प्रोग्राम्स होते हैं उसके सामने ये जो कोर्सेज होते हैं उसकी फीस ज़्यादा होती। बिकॉज अब हम बताएं कि MBA है या फिर बिजनेस मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्सेज के कोर्सेज होते हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि क्लासरूम में जाओ, आपको ट्यूटर्स जो भी पढ़ाते हैं, जो भी एजुकेशन होता है वो डेटा रिसर्च के ऊपर होता है और एल्स क्लासरूम में थियरी या केस स्टडी के बेस पे होता है। तो इसके अंदर ये दोनों चेंजेस आते हैं और ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपकी फीस क्यों बढ़ी है, आपको फीस क्यों ज़्यादा पे करनी होती है, वो होता है आपके एडमिशंस, कोर्सेज, कॉलेजेस एंड लोकेशन के हिसाब से होता है। तो ये कभी भी कंपेयर मत करो कि एक स्टूडेंट की तो इतनी ही फीस के अंदर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया बट मेरा नहीं हुआ। हमेशा ध्यान रखना आपका कोर्सेज, कॉलेजेस कौन सी है उसके बेस पे फीस होती है। अब मैं आपके साथ लास्ट पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ कि फीस के बारे में ऐसा होता है कि यूके गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से 2017 के आसपास उन लोगों ने कॉलेजेस के फीस का एक लिमिट बना के रखा था कि वही लिमिट के आसपास उन कॉलेजेस फीस चार्ज कर सकती है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, और ये कॉलेजेस का मिनिमम बैरियर रहता है, उसके हिसाब से ही उनकी फीस कॉलेजेस लेती है और ये एवरी ईयर वेराइड होता है, अपडेट होता है। तो अगर आप को लगता है कि लास्ट ईयर इतनी फीस के अंदर ये कॉलेजेस में एडमिशन मिल रहा था तो इस बार ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं होता है। एवरी ईयर कोर्सेज के हिसाब से उसमें चेंजेस आता है फीस के अंदर, करेंसी के हिसाब से भी प्लस माइनस रहता है। सो मेक श्योर कि आप जब भी एडमिशन लो आप एक बार जो भी डिटेल्स है वो करंट ईयर के हिसाब से, करंट इनटेक के हिसाब से ही आप
कोर्स की फीस वगैरह को देख के ध्यान में रख के चलो, ताकि जब एप्लीकेशन सबमिट करो तब आपको प्रॉब्लम ना आए कि भाई फीस का स्ट्रक्चर आपका जो बकेट है उसके हिसाब से ज़्यादा बढ़ गया है, सो यू हैव टू फेसिंग फाइनेंशियली प्रॉब्लम. सो ये नहीं हो उसके लिए करंट ईयर का करंट इंटेक के हिसाब से ही आप फीस का कॉलेजेस की साइड से या फिर आपके एजेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके देख लेना, ताकि प्रॉब्लम्स ना आए. सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैंने कवर किए 3 पॉइंट जो ज़्यादातर स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और उनके आंसर्स बहुत सारे लोगों को नहीं मिलते हैं. तो अगर आपके पास ऐसे कोई भी क्वेश्चंस है, आपको ऐसे कोई भी प्रॉब्लम्स है जो आपको पता नहीं चल रहा है स्टडी अब्रॉड के लिए, स्पेशली यूके के लिए, तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताना. और आप नए हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना. तब तक मैं हूँ मयूरी, साइनिंग ऑफ. जय हिंद.